हेलो फ्रेंड्स, नाउ इंड एस 12 इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स जैसे ही नाम याद आता है, यू शुड रिमेंबर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बराबर, क्या बोलता है इनकम टैक्स? तो फ्रेंड्स, इनकम कमाओ तो टैक्स भरो, और क्या बोलेगा? बराबर कि नहीं? सो नाउ क्वेश्चन आता है कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडिया से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, आपने एक आपका चैप्टर हुआ करता है टैक्स में, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं यूज करनी है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपने सीखा होगा कि जब हम टैक्स लगाते हैं तो पहले इनकम का एक ऑडिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑडिट किया जाता है। यह पता लगाया जाता है कि क्या सारे खर्चे अलाउबल हैं, क्या सारी इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही है, या कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम ऐड करनी है। सो ये सब चीजें जो आती हैं वो हमको यहां पर रिफ्लेक्ट करनी है, हमको यहां पर बतानी है कि हम जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगा रहे थे, क्या वो टैक्स हमने बराबर लगाया है? और अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाते तो हमारा जो टैक्स भरना पड़ेगा एंड में, फाइनल तो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स भर रहे हैं हम लोग, तो टैक्स तो इनकम टैक्स के हिसाब से ही भरना पड़ेगा। तो अगर हम इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स भर रहे हैं तो हमको ये देखने का है कि हम इनकम टैक्स के हिसाब से तो बनाए बराबर है, इतना टैक्स इनकम आनी चाहिए, लेकिन हमने जो खुद अकाउंट बना के जो रेडी करके दिए थे, जिनको हम ऑडिट करते हैं या जिनको हम चेक कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालने में, वो अकाउंट भी तो करेक्ट थे कि वो रॉन्ग थे? ऑब्वियस सर, करेक्ट थे, वो क्यों रॉन्ग होंगे? लेकिन वो इनकम टैक्स के हिसाब से करेक्ट नहीं थे। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आया कि इनकम टैक्स के हिसाब से क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इनकम टैक्स का रूल अलग है और कंपनी एक्ट का रूल अलग है। इनकम टैक्स बोलता है रूल रेगुलेशन फॉलो करो, और कंपनी एक्ट क्या बोलता है? बिजनेस करो। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, कहीं पे ब्राइब देनी पड़े दे दो, पेनल्टी बननी पड़े भर दो। इनकम टैक्स बोलता है देखो भाई, प्रॉफिट कमाओ लेकिन रूल के हिसाब से। तो जो ऐसे खर्चे हैं, ऐसे इनकम हैं, ऐसे एक्सपेंस हैं जो आपको लगते हैं कि अलाउ नहीं है, उनको नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दो इनकम बन जाती है, एक इनकम एच पर कंपनी एक्ट, एक इनकम एच पर इनकम टैक्स एक्ट। अब जो दोनों इनकम है उनको टैक्स भरना है, तो टैक्स कैसे भरेंगे? जो भी टैक्स का रेट दिया रहेगा, अब एंड में भरना तो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग पड़ेगा। लेकिन कंपनी एक्ट बोलता है नहीं, प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, तो फिर इनकम टैक्स बोलता है देख भाई, मैं क्रूड हूं, मानता हूं, लेकिन इतना नहीं हूं कि मैं कोई अनऑथोराइज काम करूं। तो अगर कोई ऐसा इनकम है तेरा जो ऐसा लगता है कि इस साल इनकम नहीं बनानी है तेरे को, अगले साल बनानी है, कोई ऐसा खर्चा है तेरा जो इस साल का खर्चा नहीं बनाना है, अगले साल बनाना है, तो डोंट वरी, मैंने भले आज टैक्स तेरे से ले लिया है, नेक्स्ट ईयर तेरे को एडजस्ट कर दूंगा। एंड फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल, मैं आपको बता देता हूं एक बार कि ये जो मैं आपको इनकम एक्सपेंस की बात कर रहा हूं वो इंडेस नहीं बोलता है, इंडेस बोलता है बैलेंस शीट बेस, असेट्स लायबिलिटीज बेस, लेकिन एंड में मतलब वही है, मतलब उसका वही निकलने वाला है जो हम अभी कर रहे हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडेक्स में वर्ड है, वो उन्होंने असेस वैल्यू वर्ड यूज किया है। वो बोलते हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लेस टैक्स बेस असेट्स, और टैक्स बेस असेट्स का मतलब क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एच पर इनकम टैक्स, बिकॉज यहां पर बैलेंस शीट अप्रोच है, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अप्रोच नहीं है, बट दोनों का मीनिंग सेम ही है। फ्रेंड्स, सपोज एग्जांपल के लिए आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब डेप्रिसिएशन आप असेट्स के थ्रू लो या डेप्रिसिएशन की अमाउंट डायरेक्ट ले लो, बात तो वही निकलने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग, तो पीएनएल में डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलग होगा, एज पर कंपनी एक्ट अलग होगा, तो डेप्रिसिएशन जितना लगाएंगे उतना ही तो असेट्स में से कम करेंगे। और इंडेस बोलता है नहीं नहीं अलग नहीं करने का, हमको तो हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट मेंटेन करेंगे तो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेंटेन करना पड़ेगा।
यस और नो। तो अगर कॉस्ट में मेंटेन करके बैठे हुए हैं तो भी हम क्या करेंगे, एक तरफ कॉस्ट ऑफ असेट्स लिखेंगे और एक तरफ अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, तो एंड में तो नेट बुक वैल्यू हुआ। लेकिन दिखाने का तरीका है, इंडेक्स बोलता है नहीं मैं ऐसा ही बोलूंगा वैसे ही करना पड़ेगा, तो उसने बोला है मैं बैलेंस शीट बेस फॉलो करता हूं, हमने बोला हम भी वही करेंगे। फिर बोला मैं कॉस्ट पे असेट्स दिखाऊंगा, कभी भी डब्ल्यूडीबी मत दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। जब आप कॉस्ट पे दिखाओगे तो अदर हैंड में आपको क्या करना पड़ेगा, अदर हैंड में आपको असेट्स यहां से भी दिखाने पड़ेंगे, यानी कि असेट्स के साइड में आप अपोजिट साइड में या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना दीजिए या फिर अकाउंट डेप्रिसिएशन आप असेट्स में से माइनस करके दिखा दीजिए। नॉर्मली हमारा जो हम नोट टू अकाउंट बनाते हैं उसमें माइनस करके दिखा देते हैं, तो बात वही है। लेकिन मैं समझाने की कोशिश आपको जनरल वे में कर रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि आपको नया नया लगे, नया लगेगा तो नया सीखना पड़ेगा, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग जैसा ही लगेगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे को आता है। तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट बात करें तो ये इनकम टैक्स बोलता है कि आप इनकम टैक्स लगा रहे हो, उस इनकम टैक्स में जो टैक्स आपने इनकम जो मानी है उस इनकम को आप एज पर कंपनी एक्ट कैलकुलेट किए हो, लेकिन हमको इनकम टैक्स अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा, तो जो आपने ज्यादा या कम टैक्स भर दिया उस टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स सिंपल, अगर हमने ज्यादा टैक्स भर दिया है तो हमारा वो डिफर टैक्स असेट से बाद में वापस मिलने वाला है, कम टैक्स भरा है तो वो डिफर टैक्स लाइबिलिटीज है, बाद में भरना पड़ेगा। यस और नो, परफेक्ट। अब आती है बात फ्रेंड्स कि क्या सारे डिफरेंस ही हमारे डिफर टैक्स असेट लाइबिलिटी बन जाएंगे, तो बोलते हैं नो। डिफर टैक्स असेट लाइबिलिटीज के लिए देयर आर टू टाइप ऑफ डिफरेंस इन द इनकम, और यू कैन से जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें। कौन कौन से दो टाइप हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं एक बार आपको लिख के बताता हूं। ये देखिए, डिफरेंस इन इनकम और यू कैन से टैक्सेबल प्रॉफिट हैव टू रीजन, वन इज टेम्परेरी डिफरेंस और सेकेंड इज परमानेंट डिफरेंस। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो हम जब इनकम टैक्स में करते हैं तब आपको पता चलता होगा कि कई ऐसी चीज होती हैं जो अभी नहीं मिल रही है लेकिन बाद में मिल जाएंगी, जैसे कोई अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स है, या अमोर्ट अपना अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, या प्रिमरी एक्सपेंस है। इनकम टैक्स बोलता है कि इसको हम 10 ईयर में राइट ऑफ करेंगे, कंपनी एक्ट बोलता है ये खर्चा आज हो गया तो आज ही राइट ऑफ कर दो ना पूरा का पूरा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो एक्सपेंस आज राइट ऑफ कर दिया इनकम टैक्स कंपनी के अकॉर्डिंग, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है 10 साल में करेंगे, तो ठीक है भाई आज टैक्स ज्यादा भर लो लेकिन 10 साल में करेंगे, मतलब कंपनी एक्ट तो आज ही खत्म कर चुका है, इनकम टैक्स के हिसाब से नेक्स्ट ईयर से हमको एक्सपेंस ज्यादा क्लेम करने को मिलेगा, इस साल कम मिला है, तो इसका मतलब बाद में रिवर्स हो जाएगा, समझ आया। या फिर सपोज एक सिंपल डिफरेंस डेप्रिसिएशन, कंपनी एक्ट बोलता है मैं डेप्रिसिएशन 10% अलाउ करूंगा, इनकम टैक्स बोलता है मैं 15% अलाउ कर सकता हूं, अब 10% के हिसाब से करेंगे तो वो 10 साल में खत्म होगा, 15 साल 15% के हिसाब से करेंगे तो वो 7-8 साल में खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा इनकम टैक्स हम कम भरेंगे क्योंकि इनकम टैक्स अकॉर्डिंग 15% एक्सपेंस अलाउ है, 15% डेप्रिसिएशन अलाउ है, और कंपनी के अकॉर्डिंग खाली 10%। तो एक्सपेंस ज्यादा क्लेम करते जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो इनकम टैक्स कम भरना पड़ रहा है, इनकम टैक्स कम भरना पड़ रहा है मतलब डिफर टैक्स असेट्स अराइज हो रही है, डिफर टैक्स लाइबिलिटीज, एकदम सिंपल सोच के बोलना। इसका रूल भी मैं लिखाने वाला हूं आपको, बट एट प्रेजेंट आपको इतना ही सोचने का है कि ये डिफर टैक्स असेट्स है कि लाइबिलिटीज है, तो ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स हमने एक्सपेंस ज्यादा क्लेम कर लिया है तो बाद में टैक्स भरना पड़ेगा, तो डिफर टैक्स लाइबिलिटीज अराइज हुई है एंड वाइस वर्सा डिफर टैक्स असेट्स। ओके चलो, ओके फ्रेंड्स, सो नाउ हम जानते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, तो टेम्परेरी डिफरेंस अगर होगा तो ही वो डिफर्ड टैक्स बनेगा, डिफर्ड टैक्स बनेगा, ठीक है। हमने आपको याद हो तो इंड एस 36 में भी बात की थी, इंपेयरमेंट में डिफर्ड टैक्स होगा तो कहीं ना कहीं इंपेयरमेंट लॉस का इफेक्ट भी डिफर्ड टैक्स पे जाता है, क्योंकि इंपेयरमेंट इज नथिंग बट एडवांस डेप्रिसिएशन।
सो उसका भी डिफर्ड टैक्स पे इफेक्ट जाएगा। अगर इनकम टैक्स बोलता है कि ठीक है मैं अलाउ करूंगा, इनकम टैक्स बोलता है कि ठीक है मैं अलाउ करूंगा, तो क्या माना जाएगा उसको? उसको डिफर्ड टैक्स असेट्स ही माना जाएगा। मीन्स अपन को वो एक्सपेंस आज हमने क्लेम कर लिया है, बाद में क्लेम नहीं कर पाएंगे और बाद में रिवर्स होगा, तो फिर हमको डिफर्ड टैक्स बनाना पड़ेगा। असेट्स होगा कि लाइब्रेरी होगा, वो आपको मैंने अभी भी बताया। क्या बताया था? यस, अगर एक्सपेंस ज्यादा क्लेम हो गया है, टैक्स कम भरना पड़ा, टैक्स कम करना पड़ा, लाइबिलिटी जराइज हो गई है, बाद में भरना पड़ेगा। एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, टैक्स ज्यादा भरना पड़ा, बट बाद में रिवर्स हो जाएगा तो वापस मिल जाएगा, तो डिफर्ड टैक्स असेट्स हो गया। एकदम लॉजिकल सोचना है, ठीक है? पहले टेम्परेरी डिफरेंस है तो ही डिफर्ड टैक्स अराइज होगा, अगर परमानेंट डिफरेंस है तो डिफर्ड टैक्स विल नॉट कम इन द पिक्चर। ओके, अच्छा, अब अगर टेम्परेरी डिफरेंस है तो इसमें भी सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। आप बोलोगे सर एक्सेप्शन इसमें क्या हुए? यस, इंडेस 30 जो 12 है दैट इज स्पेसिफिक, एक एक वर्ड को उसने नोटिस किया है, बोला ऐसे नहीं चलेगा, आपका टेम्परेरी डिफरेंस भी ऐसा होना चाहिए जो रिवर्स होने वाला है। अगर टेम्परेरी डिफरेंस ऐसा हो जाए जो रिवर्स नहीं होने वाला है, भले वो लगता है टेम्परेरी डिफरेंस जैसा है, तो उसको भी डिफर्ड टैक्स नहीं बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। आप बोलोगे क्यों? तो सिंपल आंसर है, क्योंकि जब हमको पता है कि वो करंट टेम्परेरी डिफरेंस है बट बिकॉज ऑफ एन सर्कमटेंस वो वापिस नहीं होने वाला है, तो फिर उसको रिकॉर्ड क्या करने का? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे सिचुएशन होता है, कोई एग्जांपल बताइए हमारे लिए कि ऐसा कोई डिफर्ड टैक्स है जो आगे रिकॉर्ड या आगे रिवर्स नहीं होगा जबकि वो टेम्परेरी डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ऐसे एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि सपोज कोई कंपनी को लॉस हो रहा है, तो लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ऑब्वियस बात है वो डिफर्ड टैक्स बनेगा हमारा, टैक्स अभी नहीं भरना पड़ा और बाद में भी नहीं भरना पड़ेगा, तो डिफर्ड टैक्स असेट्स। अब लॉस हो रहा है लेकिन वो बिजनेस ऐसा है कि प्रॉफिट में आने वाला ही नहीं है, आपको पता है यार बेकार बिजनेस है, विल नॉट गेट प्रॉफिट, तो फिर वो डिफर्ड टैक्स को बना के क्या फायदा? आपको पता है कि ये माना कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, आगे हम 7 ईयर तक, 10 ईयर तक, 15 ईयर तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको पता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है और ना ही कहीं और जगह से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो फिर ऐसे डिफर्ड टैक्स को रखने का क्या फायदा, भले वो टेम्परेरी डिफरेंस है। तो दीज आर द एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन क्या होंगे? प्रैक्टिकल सम भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स आपके मॉड्यूल में, अगर आप देखोगे तो एग्जांपल बहुत सारे दिए हैं लेकिन इलस्ट्रेशन खाली 2-3 ही दिए हैं, तो वो 2-3 इलस्ट्रेशन इन्हीं के ऊपर दिए हैं मोस्टली एक्सेप्शन के ऊपर। तो ऐसे टैक्स को हम डिफर्ड टैक्स नहीं बनाएंगे, मींस डिफर्ड टैक्स है वो बट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे अनरिकॉग्नाइज डिफर्ड टैक्स। क्यों? क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करने का कोई फायदा नहीं है, हमको आगे प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? We don't have option to adjust it. Okay, perfect. So हम क्या करने हैं friends? ये temporary difference अगर आएगा, उस temporary difference को we will consider deferred tax, but subject to some exception. अगर हमको पहले से ही पता है कि deferred tax reverse नहीं होने वाला है, तो उसको हम यहाँ पर record नहीं करेंगे, भले वो deferred tax होगा। ठीक? अच्छा। अब आता है deferred tax, दो हो सकते हैं। एक्सेप्शन हटा देते हैं अपने, एक्सेप्शन ब्रैकेट में था हमारा, हम इसी डिफर्ड टैक्स पर हैं। एक डिफर्ड टैक्स असेट्स, एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो अभी मैंने बताया आपको क्या होगा डिफर्ड टैक्स असेट्स, इफ बी हैड क्लेम लेस एक्सपेंस इन इनकम टैक्स, तो हमने टैक्स ज्यादा भर दिया, इट मीन्स बी हैड पेड मोर टैक्स, क्योंकि इनकम ज्यादा रही, जब एक्सपेंस अलाउ नहीं हुआ तो इनकम ज्यादा हो गई, इन शॉर्ट। या फिर कोई एक्सपेंस इनकम ज्यादा अलाउ कर दिया,
तो भी इनकम ज्यादा हो गई। तो आपको समझ नहीं है कि हमने इनकम ज्यादा बनाई इनकम कम बनाई। अगर इनकम ज्यादा बना ली मतलब टैक्स ज्यादा भर दिया है, ज्यादा भर दिया है तो असेट्स हो गया, तो वी हैड पे मोर टैक्स, दैट्स व्हाई इट्स बिकम डिफर्ड टैक्स असेट्स। सेकेंड केस, इफ एक्सपेंस इज मोर अलाउ, इज अलाउ मोर कंपेयर टू कंपनी एक्ट, कंपेयर टू कंपनी एक्ट, देन इट्स बिकम डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा अलाउ कर दिया मतलब इनकम कम हुई, यस बिकॉज इनकम इज लेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इनकम कम कमाई तो टैक्स कम भरा, बाद में भरना पड़ेगा, रिवर्स होने वाला है, तभी तो है डिफर्ड टैक्स। तो इसका मतलब कोई लाइबिलिटीज अराइज हो गई है, बाद में भरनी पड़ेगी, सो इट्स बिकम डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बताया ये हमारा क्या अप्रोच फॉलो करता है, बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करता है, माने असेट्स लाइबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा, ना कि इनकम एक्सपेंस को। बट इनडायरेक्टली आएगा इनकम टैक्स, इनकम एक्सपेंस ही, क्योंकि टैक्स तो उसके ऊपर ही लगता है, बट दिखाने के लिए यू हैव टू से असेट्स एंड लाइबिलिटीज। कैसे निकाला जाएगा, तो पहले हम डिफरेंस इन इनकम और टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लेस टैक्स बेस ऑफ असेट्स। एक मैंने आपको बताया ना टैक्स बेस, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिफरेंस इन इनकम फॉर डिफर्ड टैक्स बराबर। देयरफॉर डिफर्ड टैक्स असेट्स और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज विल बी क्या हो जाएगा, यस दिस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय, बोलो दिस डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट बराबर। अंडरस्टूड, सो ये हो गया हमारा डिफर्ड टैक्स। अब एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है, उसके लिए हमने ये नोटिस कर रखा है। अब आप यहां पे भी देख लो, सपोज हमारी जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, वो बुक वैल्यू सपोज 1000 की है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 800 की है, इसका मतलब इनकम टैक्स ने एक्सपेंस ज्यादा क्लेम कर रखा है, तभी तो वैल्यू कम हो गई। ठीक, डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर रखा है इनकम टैक्स ने, तो इसका मतलब बाद में भरना पड़ेगा, तभी तो बुक वैल्यू कम है, तो क्या बनेगा, ऑब्वियस डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तो ऐसे केस में अगर पॉजिटिव आंसर आए तो यू कैन से डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, क्योंकि 1000 बुक में वैल्यू है और इनकम टैक्स ऑन खाली 800 की वैल्यू है, मतलब 200 हम ज्यादा क्लेम कर चुके हैं एक्सपेंस ऑलरेडी। तो एक्सपेंस जब ज्यादा क्लेम हो गया है तो उसके ऊपर टैक्स कम भरना पड़ा होगा, और टैक्स कम करना पड़ा तो बाद में रिवर्स होगा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हो गई। तो अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो डिफर्ड टैक्स असेट्स। सिंपल, उल्टा भी हो सकता है, 800 यहां पर 1000 यहां पर, तो इनकम टैक्स ने कम एक्सपेंस अलाउ किया है, तो कोई बात नहीं बाद में एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ओके, समझ गया फ्रेंड, डिफर्ड टैक्स असेट्स है कि लाइबिलिटीज है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। ओके, एंड एक्सेप्शन क्या बताया, एक्सेप्शन बताया कि अगर ये टेम्परेरी डिफरेंस रिवर्स होने के चांसेस नहीं है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल हैपनिंग, बिकॉज ऑफ एनीथिंग समथिंग लाइक हमारा लॉस में चल रहा है कंटिन्यू बिजनेस, और हमको पता है कि ये प्रॉफिट में नहीं आने वाला है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। और हमको लगता है प्रॉफिट में भी आएगा तो कितना आएगा, इतना सा आएगा, तो उसको हम उतना सा ही डिफर्ड टैक्स एसेट्स या लाइबिलिटीज बनाएंगे, बाकी का नहीं बनाएंगे। ओके, परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, दिस इज योर इनकम टैक्स, इसमें खाली यही बताना है कि डिफर्ड टैक्स एसेट्स लाइबिलिटीज है कि नहीं है, उसके लिए हमको यही चेक करना है कि वो टेम्परेरी डिफरेंस है कि परमानेंट डिफरेंस है। अगर टेम्परेरी डिफरेंस है तो हम उसको डिफर्ड टैक्स एसेट्स लाइबिलिटीज बनाएंगे, परमानेंट डिफरेंस है तो नहीं बनाएंगे। टेम्परेरी डिफरेंस, उसमें डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो सकता है और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हो सकता है। एसेट्स कब होगा, जब हमने टैक्स ज्यादा भर दिया है, यानी कि एक्सपेंस कम अलाउ किया है, और बाद में एक्सपेंस ज्यादा अलाउ होने वाला है।
जिसका मतलब आज हमने ज्यादा टैक्स भर दिया क्योंकि एक्सपेंस कम क्लेम हुआ, इनकम ज्यादा आई तो इनकम ज्यादा तो इनकम टैक्स ज्यादा, और इनकम टैक्स ज्यादा तो हमने एसेट्स भर दिया, एसेट्स हो गया हमारा। वैसे ही इनकम टैक्स कम भरा अपन ने, यानी कि एक्सपेंस ज्यादा अलाउ कर दिया, तो बाद में हमको बाद में भरना पड़ेगा, तो वाई डिफर टैक्स लाइबिलिटीज खड़ी हो गई। एक्सेप्शन क्या है? अगर टेम्परेरी डिफरेंस है लेकिन फिर भी हमको पता है कि वो वापस नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि हमको है भी लॉस होने वाला है और आगे भी लॉस चलने वाला है, तो क्या फायदा ऐसे डिफर टैक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करने से, इसलिए उसको अनरिकॉग्नाइज कर दो, इसको एक्सेप्शन बोलेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये बैलेंस शीट बेस होता है, इसलिए हमको डिफर टैक्स जब भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एज पर बुक और टैक्स बेस ऑफ असेट्स। टैक्स बेस ऑफ असेट्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो टैक्स बेस ऑफ असेट्स मतलब होता है कैरिंग अमाउंट एज पर इनकम टैक्स। मैंने लिखा है यहां पर टैक्स बेस ऑफ असेट्स का मतलब दिखा देता हूं मैं आपको, स्टार बना के, टैक्स बेस ऑफ असेट्स मींस कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एच पर इनकम टैक्स, क्योंकि ये हमेशा किस पे रखता है, तो लिख दो एच पर इंड एस असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड अदर हैंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड। ओके, तो अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन करेंगे तो एंड में कैरिंग अमाउंट तो उतनी बचेगी, दैट इज कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। लेकिन रखने का तरीका ऐसा ही है, हम जितने भी स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें हमको हमेशा ऐसे ही दिखाने का है कि कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट सपोज 100 की है, डेप्रिसिएशन 10% लगा तो 90 आया, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में आएंगे तो कॉस्ट 100 का रहेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 का हो जाएगा सपोज, तो 80 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर में आएंगे तो कॉस्ट 100 का रहेगा, डेप्रिसिएशन 30 लगा दिया तो 70 का हो गया। यानी कि हमेशा अपन को ऐसे ही दिखाने का है, कॉस्ट पे ही मेंटेन करने का है, ठीक है फ्रेंड्स, परफेक्ट। अभी इस एक्सेप्शन के ऊपर और इसके ऊपर थोड़े सम दिए हुए हैं, एक बार वो सम ले लेते हैं और उसके बाद में हम डिफरेंसेस भी लिखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन इंड एस 12 एंड एस ए एस 22, वो भी हम लिखेंगे फ्रेंड्स बाद में। पहले एक बार सम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो सम दिए हुए हैं आपको लेटेस्ट वाला ओपन करना है फ्रेंड्स, के पुराने में भी दे सकते हैं वो, लेकिन कई चेंजेज कर दिए हैं उन लोगों ने। यस, ये मिला इलस्ट्रेशन 1 मिला, इट्स विजिबल, दिख रहा है बेटा? एन एंटिटी हैज अ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 50,000, ओके, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस उसके पास अवेलेबल है 50,000 का, ठीक है। इट हैज नो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस अगेंस्ट विच इट कैन बी ऑफसेट। एलो बोलता है कि और कोई उसके पास ऐसा टेम्पररी डिफरेंस नहीं जिसमें वो ऑफसेट कर सके उस लॉस को, ठीक है। द एंटिटी ऑल्सो नॉट एंटिसिपेटेड एनी फ्यूचर प्रॉफिट। एलो, उसने इंटीमेशन दे दिए फ्रेंड्स कि फ्यूचर में भी ऐसा लगता है कि हमको शायद कुछ प्रॉफिट वॉफिट नहीं होने वाला है। हाउएवर इट कैन इंप्लीमेंट अ टैक्स प्लानिंग ओके स्ट्रेटजी विच कैन जनरेट प्रॉफिट अप टू 60,000। अरे वाह, एक आशा दिखी है। क्या आशा है? कि कहीं वो कुछ ऐसा टैक्स प्लानिंग कर लें तो उनको 60,000 का मुनाफा हो सकता है, राइट। द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी इज 12,000। ओके, मींस अगर इसको अपन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो 12,000 का खर्चा हो जाएगा, यानी कि नेट कितना मिलेगा, 60,000 माइनस 12,000 दैट इज 48,000, ठीक है। द टैक्स रेट इज 30%, कंप्यूट द डिफर टैक्स असेट्स दैट शुड बी रिकॉग्नाइज। ओके, तो समझा फ्रेंड्स क्वेश्चन पहले,
क्वेश्चन क्या बोलता है कि 50,000 का हमारे पास डिडक्टिबल एक्सपेंस या लॉस पड़ा हुआ है, लेकिन वो टेम्परेरी डिफरेंस है। उसने स्पेशली मेंशन किया, देखो ये टेम्परेरी डिफरेंस है, लेकिन उसको अगेंस्ट में एडजस्ट करने के लिए हमको ऐसा लगता है कि देर इज नो टैक्सेबल टेम्परेरी इनकम विच इज अराइज और ना ही फ्यूचर में आने वाली है, तो क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? आंसर इज नो। जब हमको पता है कि बाद में रिवर्स होने वाला नहीं है तो क्या रखने का फायदा। लेकिन आगे उसने क्या बोला कि हाउएवर इट कैन इंप्लीमेंट अ टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी विच कैन जनरेट प्रॉफिट अप टू 60,000। उसको एक आशा दिखी कहीं से कि नहीं वो टैक्स प्लानिंग का कुछ कर सकता है काम जिसमें उसको 60,000 की इनकम हो सकती है, तो हम एडजस्ट कर लेंगे 50,000 को। लेकिन बोला नहीं, उसमें 12,000 का खर्चा भी हो जाएगा, इसका मतलब 12,000 एक्सपेंस हो गया, 60,000 इनकम होने वाली है, तो नेट 48 ही मिलेगा। तो 48 के अगेंस्ट में 48 रिवर्स हो सकता है, यस, बट 50 है ये तो 50,000 है, यानी कि 2,000 का जो है वो लॉस कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। क्यों? क्योंकि हमको पता है रिवर्स होने वाला ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा कुछ इंटीमेशन नहीं है, तो नहीं है तो हम मानेंगे कि भाई रिवर्स हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है आगे ओके कि नहीं होने वाला है कहीं प्रॉफिट, तो ऑब्वियस बात है हमको इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ओके परफेक्ट, एक बार इसका आंसर लिख के बताएंगे, तो चलो लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन। ओके क्या लिखेंगे? एच पर इंड एस 12 इनकम टैक्स सेइंग दैट बी शुड रिकॉग्नाइज डिफर्ड टैक्स इफ इट्स अराइज ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स माइनस टैक्स बेस ऑफ असेट्स बट सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन विच सेइंग दैट इफ वी हैव प्रॉपर एविडेंस that the temporary difference of assets cannot be reversed, cannot be reversed as due to heavy loss or any abnormal happening. राइट, दिस इज अवर रूल। इन प्रेजेंट केस दे हैव 50,000 परमानेंट डिफरेंस, नहीं टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस इन द बुक्स बट दे फील दैट they don't have any expectation to reverse it as there is no profit expected in future but they have some or one टैक्स प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी रिवर्स अप टू 48,000, दैट इज हाउ 60,000 माइनस 12,000। देयरफोर स्टेप थ्री, we can recognize deferred tax assets, assets होगा कि लाइब्रेरी होगी
ऑब्वियस एसेट्स होगा, क्योंकि हमको लॉस का सेटअप मिलने वाला है, बाद में टैक्स का फायदा होने वाला है, नहीं भरना पड़ेगा बाद में। तो इसका मतलब हमने भले टैक्स नहीं भरा है लेकिन हमारे लॉस के अगेंस्ट में वो सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब हमको फायदा होने वाला है। तो डिफर्ड टैक्स असेट्स अप टू 48,000 बराबर, दैट इज 48,000 इंटू कितना परसेंट रेट था फ्रेंड्स, 30% इंटू 30% कितना होता है, 14,400। इट इज डिफर्ड टैक्स असेट्स, बट रिमेनिंग 48,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 2,000 विल बी नॉट रिकॉग्नाइज, और यू कैन से अनरिकॉग्नाइज, दैट इज 2,000 का 30% 600, क्योंकि हमको पता है भले टेम्परेरी डिफरेंस है लेकिन वापस तो होने वाला है नहीं, तो 600 को रिकॉर्ड करके क्या फायदा। कोई बोलेगा सर हमको कैसे पता है सर वापस नहीं होगा, हम कैसे एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने किया है, हमको दिया है, अगर नहीं देता तो हम बोल देते कि भाई हमको नहीं पता, हम तो डिफर्ड टैक्स असेट्स बनाएंगे इसको, लेकिन दे हैड क्लियरली मेंशन कि भाई डिफर्ड टैक्स असेट्स नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्योंकि यही लोग जो हैं वो वापस नहीं करेंगे इसको, उनको पता है कि लॉस ही लॉस होने वाला है, उनको प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो वापस कहां से करेंगे। परफेक्ट। सो इसके लिए हम लोगों को इसका ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन व्हाट दे हैड मेंशन, इनका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, इन्होंने तो दो लाइन में लिख दिया है खाली। द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज अ डिफर्ड टैक्स असेट्स ऑफ 14,400, 30% ऑफ 48,000, ये देखो 48 ऐसे आया 60,000 माइनस 12,000, तो 14,400 ही शुड रिकॉग्नाइज, वो हमने भी किया है। The balance deferred tax asset 600. 600 कैसे आया? 30% of 2000. 50,000 minus 48,000. Sell remain unrecognized. मतलब इसको recognize नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो वापस होने वाला ही नहीं है. Okay, perfect. Let's do question number 2. A limited recognize interest income in the books on accrual basis. ठीक है, accrual basis system follow करते हैं normally. ठीक है। हाउएवर फॉर इनकम टैक्स परपज, ओके इनकम टैक्स 1961 क्या बोलता है, द मेथड इज कैश बेसिस, ओहो हो देसे कैश बेसिस फॉलो करना है, ओके। ऑन दिसंबर 31 मार्च 11 इट हैज इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑफ 10,000 एंड टैक्स रेट इज 25%, ओके। ऑन फरवरी 28 11 द फाइनल बिल इज इंट्रोड्यूस इन द legislation that change the tax rate is 30% to 30% February 28-11 को tax rate change होने वाला है, ठीक है। The finance bill is enacted as act on May 21, 2012 discuss the treatment of deferred tax in case of the reporting date of A Limited is financial statement is December 31, 2011 है फाइनली खत्म होने वाला, एंड दीज आर अप्रूव फॉर इशू ऑन May 31, 2012। मीन्स फ्रेंड्स ये दो चीजों को लीज में ले रहे हैं, एक तो एक कैश सिस्टम है, हम अक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो अक्रूअल सिस्टम के हिसाब से इनकम हमने रिकॉर्ड कर ली कंपनी एक्ट ने, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है मैं इनकम नहीं मानूंगा, इनकम नहीं मानेगा मतलब टैक्स कम भरना है कि ज्यादा भरना है, कम भरना है कि इनकम नहीं मान रहे, एक्सपेंस नहीं है इस बार तो कम भरना है, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 25% 2,500 इज अराइज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, क्योंकि आज कम भरना पड़ रहा है, जब कैश रिसीव हो जाएगा तब भरना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज खड़ी हो गई ना, समझा कि नहीं। परफेक्ट। अब आता है ये टैक्स का रेट चेंज कर दिया हम लोगों ने 30%, तो वो कैसा है, 30% टैक्स रेट चेंज इज इफेक्ट फ्रॉम May 31, 2012, तो वो तो आगे का है, अब आगे जब होगा तब देखेंगे अपन को, आज के दिन तो कितना डिफर टैक्स असेस लाइबिलिटी खड़ा हो रहा है वो ही निकल सकते हैं ना अपन लोग,
आगे पता क्या रेट क्या होगी, आज हमने प्रपोजल किया है 3% हो जाएगा, वो होगा कि नहीं होगा और इफेक्टेड हो वो या जब तक हम भी रहे कि नहीं रहे वो भी नहीं पता है। तो इसका मतलब हम लोगों को वो 30% को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। सो डिफर टैक्स लाइबिलिटी 2500 की रिकॉर्ड होगी, लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ 10,000 बिटवीन द कैरिंग अमाउंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑफ 10,000 एंड इट्स टैक्स बेस ऑफ निल इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। ये निल बोल रहा है, अ लिमिटेड हैज टू रिकॉग्नाइज अ डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ 2500 10,000 का 25% इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2011। इसका मतलब उसने ये बोला है कि ये जो पैसा है वो बाद में वापस मिल जाएगा, तो ऑब्वियस बात है वो डिफर्ड टैक्स से नहीं बनेगा, लेकिन 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है, जब तक तो नहीं मिला है ये हमको कन्फर्म पता है, तो इसलिए वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बन के रेडी हो गया। देखो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बनाया उन्होंने, ठीक है, परफेक्ट। नाउ फ्रेंड्स ये डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस और लिखेंगे, सो नोट द हेडिंग। इसके बाद इसके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन भी अच्छे दिए हैं, वो भी अपन एक दो सॉल्व कर देंगे फ्रेंड्स। सर पहले हेडिंग बनाइए, डिफरेंस बिटवीन, यस डिफरेंस बिटवीन इंडिया एस 12 एंड एस 22। ये देखो ये लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एस 12 एंड एस 22। सबसे पहला अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग डिफर्ड टैक्स, याद है फ्रेंड्स हमने क्या बात की थी, वी विल फॉलो इन इंडिया एस बैलेंस शीट अप्रोच। तो देखो यहां पर बेस्ड ऑन बैलेंस शीट अप्रोच, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट्स अ बैलेंस शीट अप्रोच और ए इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, तो ये पिनल का अप्रोच बेस हो जाएगा, ठीक है। फिर लिमिटेड एक्सेप्शन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिफर्ड टैक्स असेट्स, अभी अभी हमने बात की थी एक्सेप्शन के बारे में, याद है आपको, तो ये जो एक्सेप्शन है वो इंडियस में है कि अगर हमको पता है कि बाद में वो रिवर्सल नहीं होने वाला है, भले वो टेम्पररी डिफरेंस की वजह से हुआ है, तो क्या करो उस डिफर्ड टैक्स को हटा दीजिए, उसको मत रिकॉर्ड करिए। तो इंडिया सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एक्सेप्शन, बट एएस 1222 में डिफर टैक्स असेट्स रिकॉग्नाइज एंड कैरिड फॉरवर्ड ओनली ऑन द एक्सटेंस ऑफ दीज द रीजनेबल सर्टेनिटी टू सफिशियंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट विच सच डिफर टैक्स असेट्स कैन बी रियलाइज। इन शॉर्ट यहां पर ऐसा कोई एक्सेप्शन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसका बहुत बड़ा पॉइंट डिटेल में दिया है, लेकिन शॉर्ट में मीनिंग वही है उसका कि आपको वो रिवर्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ठीक है, अंडरस्टूड, परफेक्ट, यस। नेक्स्ट डिफरेंस फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन ऑफ करेंट एंड डिफर्ड टैक्स, ये करेंट एंड डिफर्ड टैक्स जो है आर, यहां पे स्पेसिफिक अलग अलग बोले गए हैं, बोलने का मतलब ये स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन होले को करंट टैक्स मतलब क्या होता है, जो टैक्स हमने इनकम टैक्स में भरा है, दैट इज नोन एज करंट टैक्स। डिफर टैक्स क्या होता है, जो टैक्स डिफरेंस है, लेकिन कौन सा वाला, टेम्परेरी, ओके, सो टेम्परेरी डिफरेंस है वो यहां पर क्या होगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ डिफर टैक्स, और करेंट टैक्स इज स्पेसिफिक सेइंग दैट टैक्स फॉर द करेंट ईयर सब्जेक्ट टू डिफर टैक्स ऑल्सो, अगर प्रीवियस ईयर का रिवर्स हो रहा है तो वो भी ऐड किया जाएगा, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस और माइनस प्रीवियस ईयर डिफर टैक्स असेट्स और लाइबिलिटीज। लेकिन एएस 12 में ऐसा कोई स्पेसिफिक बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो एएस 22 डज नॉट स्पेसिफिकली विद दिस रिस्पेक्ट, ओके। फिर डिस्क्लोजर ऑफ डीटीए एंड डीटीएल बैलेंस शीट, ये जो डिस्क्लोजर वाला पार्ट है, मैंने इसका आपको भी लिखवाया नहीं, मैं लिखवा दूंगा, पर डिस्क्लोजर वाले पार्ट में इंडेस बोलता है ऐसा कोई स्पेसिफिक बोध नहीं बोलता है, डज नॉट डील विथ स्पेसिफिक डीटीए एंड डीटीएल डिस्क्लोजर, बट एएस 22 डील विथ स्पेसिफिक दैट डिफर टैक्स असेट्स एंड डिफर टैक्स लाइबिलिटीज शुड बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, स्पेसिफिक बोला है यहां पर स्पेसिफिक नहीं बोला है। देन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो इंडियस फ्रेंड्स ऑलवेज ब्रॉड होता है, तो मैंने आपको बोला है रिक्वायरमेंट इंडियस 12 आर मोर इन डिटेल, जबकि ये लेस डिटेल है, तो ये लेस डिस्क्लोजर है वो मोर डिस्क्लोजर है। नाउ डीटीए डीटीएल अराइजिंग आउट ऑफ रिवेल्युएशन असेट्स, यस फ्रेंड्स ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, इसको आप जरूर लिखना है एग्जाम में, स्टार बनाकर रखना, रिवेल्युएशन असेट्स का डिफर टैक्स असेट्स लाइबिलिटीज इंडियस बोलता है यस होगा,
अंडर द हेडिंग ऑफ अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम ओसीआई अकाउंट, पता है ना। सो रिवेल्युएशन का, डिफर टैक्स रिवेल्युएशन की वजह से जो आएगा वो एराइज किया जाएगा किसमें, किसमें, इंड एस 12 में, लेकिन एएस 22 जो है डिड नॉट डील विद दिस एस्पेक्ट। ओके, सो आप बोल सकते हो रिवेल्युएशन की वजह से रिक्वायर्ड दैट डिफर टैक्स एसेट्स लायबिलिटी अराइजिंग रिवेल्युएशन ऑफ नॉन डेप्टेबल असेट्स इज मेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स कंजम्पशन फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स रादर देन दोज यूज, या शॉर्ट में बोलो तो यहां पर रिवेल्युएशन की वजह से डिफर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो सकती है, यहां पर नहीं होगी। परफेक्ट। नेक्स्ट, चेंज इन एंटिटी टैक्स स्टेटस और दैट इट्स शेयर होल्डर। सो फ्रेंड्स, ये जो चेंज इन एंटिटी टैक्स स्टेटस जो है और दैट इट्स शेयर होल्डर, तो ये बोलता है यस, इसके लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया गया है अंडर इंडियस 12 में, जबकि इसमें ऐसा कोई गाइडलाइंस इसके लिए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्चुअल सर्टेनिटी। सो वर्चुअल सर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल सर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एस 12, दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो वर्चुअल सर्टेनिटी जो बात होती है इसके बारे में इंडियस नहीं बोलता है, और एएस ने वर्चुअल सर्टेनिटी के लिए सपोर्ट किया है। ठीक है। फिर गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ डिफर टैक्स इन द टैक्स हॉलीडे पीरियड। ये टैक्स हॉलीडे पीरियड आपको बताया फ्रेंड्स, मैंने आपको बात ही नहीं कि इसकी बीच में आपको याद हो तो, क्योंकि इंडियस इसके बारे में बोलता ही नहीं है, जबकि एएस उसके बारे में बोलता था। आपको याद हो तो पहले जब एएस पढ़ते थे तो ये टैक्स हॉलीडे पीरियड बड़ा परेशान करता था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है। सो यहां पर टैक्स हॉलीडे पीरियड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और यहां पर इसका गाइडलाइन दिया गया था जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में हम करते थे। ओके, फाइन। लास्ट, गाइडेंस ऑन सर्टन इश्यूज। इंडियस डज नॉट स्पेसिफिकली डील विद दिस एस्पेक्ट, और एएस ने कुछ इश्यूज पर गाइडेंस इशू किए हुए हैं, वो भी बहुत सारे हैं होने को, बट अपना दिमाग उतना ही लगाओ कि गाइडलाइंस इशू किए हैं, इसने नहीं किए हैं। तो इन दोनों के लिए एएस ने गाइडलाइंस इशू किए हैं, कौन कौन से के लिए, टैक्स हॉलीडे पीरियड के लिए एंड गाइडलाइंस फॉर सर्टन इशूज, और एएस ने किए हैं, इंडियस ने नहीं किए हैं। ठीक है। परफेक्ट। फिर डिस्क्लोजर में आप क्या चाहो, तो डिस्क्लोजर में आप लिख सकते हो ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हमको डिस्क्लोज करना चाहिए। सो जितना भी ब्रॉड डिस्क्लोजर आप कर सकते हो, जो भी आपको डिटेल लगता है वो सब चीज हमको डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था इसके टेस्ट और नॉलेज के अंदर कुछ सम दिए हुए हैं, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सम बहुत कम दिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, एन असेट्स विच कॉस्ट 150 हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। ओके, कॉस्ट 150 के है, कैरिंग अमाउंट 100 के है, तो मतलब आप बोल सकते हो 150 का डेप्रिसिएशन अकुमुलेटेड और 100 इज द बुक वैल्यू। तो एक कॉस्ट, ए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। ठीक है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज इज 90, तो टैक्स पर्पज से भी कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, लेकिन अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90 हो गया, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, 60 की। किसके हिसाब से, टैक्स बेस के हिसाब से, याद है ना, टैक्स बेस अभी मैंने आपको बताया। यस, टैक्स रेट इज 25%, कैलकुलेट द टैक्स बेस, टैक्स बेस तो सीधा आ गया 60, बस नो, क्योंकि टैक्स बेस का फॉर्मूला क्या होता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लेस टैक्स बेस वैल्यू ऑफ असेट्स। टैक्स बेस वैल्यू क्या होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से, तो कंपनी के हिसाब से है 100 रुपीज का, यहां लिखता हूं 100 रुपीज का, और टैक्स बेस के हिसाब से है 150 माइनस 90 यानी कि 60 रुपीज का, तो 40 इज द डिफरेंस। ठीक है। और 40 के ऊपर 25% टैक्स लगाएंगे तो 10 रुपीज बिकम डिफर्ड टैक्स असेट्स और लाइबिलिटीज। यस, लाइबिलिटीज, बिकॉज टैक्स के हिसाब से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, ज्यादा एक्सपेंस क्लेम हो चुका है, तो बाद में रिवर्स होने वाला है, तो ये 40 के ऊपर 25% निकालेंगे, जो कि 10 रुपीज आएगा, वो हमारा बनेगा डिफर टैक्स लाइबिलिटीज। समझ आया कि नहीं? परफेक्ट। लेट्स सी व्हाट दे हैड मेंशन, दे हैड गिवन आंसर आल्सो फ्रेंड्स फॉर दैट। द टैक्स बेस ऑफ असेट्स इज 60, ये लो सर, उसने दे दिया, ऑफ कॉस्ट 150 लेस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,
टू रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, द एंटिटी मस्ट अर्न टैक्सेबल इनकम ऑफ 100, बट विल बी ओनली बी एबल टू डिडक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 60, क्योंकि इनकम टैक्स 60 वैल्यू बची हुई है. कंसिक्वेंटली द एंटिटी विल पे इनकम टैक्स ऑफ 10, बाद में पे करेगी. वेन द रिकवरी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स, द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द 100 एंड द टैक्स बेस 60. याद है मैं लिखा था स्टैंडिंग फॉर्मूला, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स लेस टैक्स बेस ऑफ असेट्स. तो 60 इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस 40. तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस 40 का हो गया. देयरफॉर द एंटिटी रिकॉग्नाइज द डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी देखो हमने लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया हुआ था ऑफ 10, रिप्रेजेंटिंग द इनकम टैक्स दैट इट विल बी पे व्हेन इट रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स. ओके परफेक्ट. ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं. चलो, अ कंपनी हैड परचेज ऑन असेट्स ऑफ 1 लाख. ओके, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स इज 5 ईयर, डेप्शन रेट इज 20%. ठीक है, डेप्शन रेट फॉर टैक्स पर्पज इज 25%. ए लो टैक्स पर्पज 25% बोल दिया. आप बताइए डिफर्ड टैक्स असेट्स अराइज होगी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ऑब्वियस लाइबिलिटीज, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा क्लेम हो रहे हैं, ज्यादा क्लेम हो रहे हैं तो टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अराइज होने वाली है. द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1 लाख फॉर ऑल द 5 ईयर. ओके, टैक्स रेट इज 30% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ओके, कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू एज पर फाइनेंस एंड एज पर टैक्स पर्पज एंड देन डीटीएल डिफर टैक्स लाइबिलिटीज. तो फ्रेंड डिफर टैक्स लाइबिलिटीज अराइज होने वाली, हमने पहले ही बात कर ली थी वो. तो पहले तो बुक वैल्यू निकाल दीजिए एज पर फाइनेंस और एज पर इनकम टैक्स. तो ठीक है निकाल देता हूँ, उसमें क्या हो गया 25% डेप्शन उसके अकॉर्डिंग है और 20% हमारे अकॉर्डिंग है. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ योर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट शोइंग बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एज पर फाइनेंस बुक्स, राइट, कितने हैं, 5 साल हैं, 1, 2, 3, 4, 5. सबसे पहले कॉस्ट लिखने का, लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर बचेगा बुक वैल्यू और यू कैन से कैरिंग अमाउंट. 1 लाख की है असेट्स, 1 लाख की लिख दीजिए. कितना बोला है, एट द रेट ऑफ 20%, 20% कितना हो जाएगा 20,000, तो 80,000 वैल्यू हो गई. फिर नेक्स्ट का अक्यूमुलेटर 40,000 हो जाएगा तो बुक वैल्यू 60 का हो जाएगा. फिर नेक्स्ट का 60 का हो जाएगा तो बुक वैल्यू 40 का हो जाएगा. नेक्स्ट 80 का हो जाएगा तो बुक वैल्यू 20 का हो जाएगा. और नेक्स्ट 1 लाख का 1 लाख ही हो गया तो बुक वैल्यू निल हो गया. समझा कि नहीं, ये कोई मैंने जादू नहीं किया है, कॉस्ट सेम रखा और हर साल डेप्शन जो लगाना है उसको ऐड करते गए अकोमोडेट बनाने के लिए, क्योंकि कॉस्ट अलग दिखाने का है और अकोमोडेशन अलग दिखाने का है. तो ये हो गया हमारा कैरिंग अमाउंट एच पर फाइनेंस रिकॉर्ड. फिर सेकेंड स्टेटमेंट शोइंग कैरिंग अमाउंट एच पर इनकम टैक्स, इसको क्या बोलेंगे बोलिए, टैक्स बेस अमाउंट या टैक्स बेस असेट्स, सेम बनेगा बनने को, खाली डेप्शन का रेट चेंज हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, कॉस्ट 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, राइट, ये सब 1 लाख ही है फ्रेंड्स. लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 25% के हिसाब से, तो 2500, 25,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ 75 और यहाँ पे 1 लाख. अच्छा कई लोग सोचेंगे सर SLM क्यों माना है, तो क्वेश्चन साइलेंट रहे तो SLM ही मानने का है फ्रेंड्स. हाँ, तो बुक वैल्यू कितनी आई, 75,000, 50,000, 25,000, नील नील, यहाँ पे भी 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, बड़ा नहीं है तो नील का नील हो गया. तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये रहा आपके सामने कैरिंग अमाउंट और ये रहा आपके सामने
टैक्सेबल अमाउंट, ये क्या है, टैक्स बेस असेट्स। तो देयरफॉर डिफरेंस फॉर टैक्स पर्पज, और ये कौन सा डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस। तो देखिए ये 80,000 है, ये 75,000 है, इसका मतलब कितना आएगा, 5,000 का डिफरेंस आया पॉजिटिव, तो क्या बनने वाला है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, राइट। कितना परसेंट बोला था उसने डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में फ्रेंड्स, टैक्स क्रेडिट दिया है क्या कुछ, हाँ 30%, तो 30% हम भी निकाल देंगे, 30%, तो कितना हो गया डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज 1500। फिर नेक्स्ट ईयर डिफरेंस देखा तो कितना आया, 60,000 और ये 50,000, यानी कि 10,000, डिफर्ड टैक्स 3,000, 30%। फिर डिफरेंस कितने का आया, 15,000, तो डिफर्ड टैक्स 4,500। फिर डिफरेंस कितने का आया, 20,000, यहाँ वैल्यू निल है, तो 20,000 डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज असेट्स 6,000 का। अब डिफरेंस यहाँ पे निल हो गया बरोबर, और यहाँ पर वैल्यू अभी भी आ रही है, तो इसका मतलब ये 20,000 का जो हमने यहाँ पर डिफरेंस चार्ज किया है, ये हमको अभी पूरा का पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफर टैक्स रिवर्स हो जाएगा 6,000 का, और ये अपने आप ही काम खत्म हो गया, समझ आया। क्योंकि लास्ट ईयर में क्या हुआ, जाके ये बढ़ता जा रहा था, और लास्ट ईयर जाके हमको पता चला कि टैक्स लगा ही नहीं है। क्यों नहीं लगा, क्योंकि बुक वैल्यू यहां पर निल है, जो कि ओपनिंग में बनानी है हमको, और यहां पर बुक वैल्यू 20,000 की है, इसको मतलब 20,000 का डिफरेंस नेक्स्ट ईयर चार्ज किया है, जबकि यहां पे तो कुछ नहीं किया। तो ये 20,000 का डिफरेंस जो नेक्स्ट ईयर चार्ज कर लिया, वो कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग कर लिया, इनकम टैक्स बोलता है मैं नहीं करूंगा, अलाउ जाओ यहां से भागो। तो इसका मतलब ये डिफर टैक्स रिवर्सल हो गया लाइबिलिटीज का, तो ये निल हो गया, तो आगे से निल हो गया, हमारा काम खत्म। ओके परफेक्ट। सो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन और देख लें एक बार, इन्होंने क्या दिया है, यस ये देखिए, कैरिंग अमाउंट एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड, कैरिंग अमाउंट एज पर टैक्स रिकॉर्ड 75, 50, 20, 0, 0, फिर टेम्परेरी डिफरेंस 5, 10, 15, 20, यहां 0 हो गया, क्योंकि वो डिफर्ड टैक्स असेट्स रिवर्स होने वाला है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, कम टैक्स भरा था ना, 30%, 1.5 रुपीज इन 1,000 में है, 3, 4.5, 6, और बाद में 0 हो गया, क्योंकि वो रिवर्सल होके काम खत्म हो गया, ठीक है परफेक्ट। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और दिए हैं फ्रेंड्स, ये आप लोग ट्राई करना, और बाकी का टैक्स का मैंने जो बताया, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, वो सबकी सब पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी तुम्हारी हो सकती हैं, जो हमने इनकम टैक्स में इनकम प्रोमिनेशन प्रोफेशन में सीखा है, क्योंकि मेरी आदत है फ्रेंड्स हर चीज़ को सिंपल बना के सीखो, भले उसमें दिया हुआ है बहुत सारी लॉजिकल भी होते हैं, बहुत सारी इलॉजिकल बातें भी, लेकिन